हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक परफेक्ट एंड स्पॉन्जी रसगुल्ला विथ 7 स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स। परफेक्ट रसगुल्ला बनाने के लिए हमें परफेक्ट छेना चाहिए, तो आइए सबसे पहले छेना फाड़ते हैं। छेना के लिए हम टोंड मिल्क लेंगे या फिर काऊ मिल्क लेंगे, भैंस का दूध बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मैं आपको पहला टिप देती हूँ, दूध को एक बार उबाल कर फ्रिज में रख दीजिए और उसका मलाई हटा के फिर इसका छेना फाड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस दूध को हम गैस पर चढ़ा देंगे। ये लीजिए, मेरा 1.5 लीटर दूध है, इसका एक बार मलाई निकाला जा चुका है और अब इसको एक उबाल लाने के लिए गैस पर चढ़ा दिए हैं। उबाल आने के बाद गैस बंद कर देंगे और इसको 30 सेकंड तक चलाते रहेंगे। छेना फाड़ने के लिए हम व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल करेंगे, इसको डाइल्यूट मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। यही हमारा टिप नंबर 2 है कि इसको 2 चम्मच विनेगर और 6-7 चम्मच पानी के मिश्रण को थोड़ा थोड़ा डालकर तब तक चलाएंगे जब तक कि दूध फट न जाए। ये देखिए, दूध फटने लगा है। अब दूध फटने के बाद इसको तुरंत मलमल के कपड़े से छान लेंगे। यहीं पे मैं आपको तीसरा टिप देती हूँ, छानने के तुरंत बाद इसको 3-4 बार ठंडे पानी से धुल लेंगे। इससे 2 फायदा होगा, एक तो छेना सॉफ्ट होगा और दूसरा जो विनेगर का खट्टापन है वो निकल जाएगा। अब इसे कपड़े में बांधकर 2-3 घंटे के लिए टांग देंगे ताकि इसका पानी पूरी तरह से निकल जाए। अब आइए रसगुल्ला बनाने के लिए सीरा तैयार करते हैं। 1.5 लीटर दूध का छेना है, तो इसमें लगभग 700 ग्राम चीनी को 2 लीटर पानी में डालकर उबालने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। अब इसको ढक्कन लगा देंगे और सीरा उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब छेना को कपड़े से निकालकर चेक करेंगे कि इसमें वाटर कंटेंट तो नहीं है, अगर है तो इसको सूखे तौली से सुखा लेंगे। यही मेरा चौथा टिप है, छेना में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हथेली की सहायता से इसको 3 मिनट तक रगड़ेंगे कुछ इस तरीके से।
अब इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर आरारोट डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। ये देखिए बिल्कुल चिकना आटा तैयार हो गया। अब इसका छोटा छोटा लोई काट कर रसगुल्ला बनाएंगे। अब आइए देखते हैं सीरा का क्या हाल है। ये देखिए अच्छे से बॉयल होने लगा है। अब इसमें हम एक एक करके रसगुल्ला डालेंगे। यही मेरा पांचवा टिप है कि रसगुल्ला एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो सारे रसगुल्ले चिपक जाएंगे। सारे रसगुल्ले डालने के बाद अब इसको ढक देंगे और 10 मिनट तक के लिए हाई टेम्परेचर पे पकाएंगे। उससे पहले बिल्कुल भी ढक्कन नहीं हटाएंगे, नहीं तो रसगुल्ले पिटक जाएंगे। 10 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और इसको एक एक करके उलट पलट देंगे इस तरह से, और फिर इसको ढक के 10 मिनट तक फिर तेज आंच पर पकाएंगे। अब 10 मिनट बाद गैस बंद कर देंगे। अब हमारा रसगुल्ला पक गया है। टोटल 20 मिनट लगा है रसगुल्ला पकने में। अब इसको तुरंत 1 मिनट के अंदर ही इस रसगुल्ले को चिलिंग ट्रीटमेंट दीजिए। यही मेरा छठा टिप है। एक बर्तन में आइस लेंगे और उसमें ये सीरा सही एक एक करके रसगुल्ला निकाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आइस ट्रीटमेंट देने से रसगुल्ला सॉफ्ट रहेगा, कड़ा नहीं बन पाएगा और इससे इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब मैं आपको सातवां और आखिरी टिप देती हूँ। पहले से एक बर्तन में सीरा बनाकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इस ठंडा सीरा में रसगुल्ला इस तरह से निचोड़ कर डालेंगे।